मान लीजिए आपसे एक दिन नहीं अच्छा बनेगा, दो दिन नहीं बनेगा, मान लीजिए 10 दिन नहीं बना, पर उसके बाद तो थोड़ा थोड़ा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैंने बाज़ार से नई शीट्स बाय की हैं, तो आज मैं उनका रिव्यू करूंगा क्योंकि वो शीट्स मैंने पहले भी ट्राई करी हुई हैं, तो आज मैं उनकी रिव्यू वीडियो बना रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी में कंपैरिजन कर रहा हूं, मतलब मैं उन शीट्स का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि कौन सी अच्छी है ये कौन, बट हाँ अपनी तरफ से जो मुझे अच्छा लगा कि हाँ एक रिव्यू देना चाहिए उन शीट्स के बारे में, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा रिव्यू मतलब मैं देना चाहूँगा। तो आइए देखते हैं शीट्स को। तो ये है, एक है आइवरी पेपर और दूसरा है कार्ट्रिज पेपर। तो मैंने मतलब पहले भी ट्राई किया था, तो मेरे अकॉर्डिंग कि अगर आप एक बिगिनर हैं, आप पोर्ट्रेट ड्राइंग कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए कार्ट्रिज पेपर बेस्ट है, क्योंकि आप अगर रफ ड्रॉ करते हैं तो कार्ट्रिज पेपर पर अच्छा हो जाता है ड्रॉ। और ये काफ़ी मतलब मुझे तो ये अराउंड 60 रुपीज़ का मिल गया बाज़ार से, आज ही मैंने बाई किया है, तो ये मुझे अराउंड 60 रुपीज़ का मिल गया है। और ये A4 साइज़ है और इसमें 25 शीट्स होती हैं एक पैक में। और अगर हम आइवरी पेपर का मतलब रिव्यू दें, अगर मैं दूं रिव्यू आइवरी पेपर भी पेपर का, तो हाँ आइवरी पेपर भी अच्छा है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको सिर्फ कार्ट्रिज पेपर ही यूज़ करना चाहिए, आप आइवरी पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। पर ये मुझे अराउंड 100 रुपीज़ का मिला है, जो कि आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप सिर्फ एक बिगिनर हैं और आप सिर्फ प्रैक्टिस ही करना चाहते हैं तो कार्ट्रिज पेपर बेस्ट है, आप कार्ट्रिज पेपर ही यूज़ कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि मतलब आप मतलब पता चल जाएगा आपको कि कितनी अच्छी है ये। तो और एक बात गाइस कि मतलब ऐसे नहीं है कि हम अच्छे अच्छे मटेरियल ड्राइंग मटेरियल्स को बाय करें तो ही हम अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी ड्राइंग में क्या होता है, आर्ट में क्या होता है, कि हमारे स्किल्स इम्प्रूव होने चाहिए। अगर हमारे में स्किल्स हैं तो मतलब हम चाहे सिंपल एक ड्राइंग शीट पर भी करें तो भी वो मतलब बेस्ट होता है। अगर हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव ना करें तो हम चाहे कितने ही महंगे महंगे ड्राइंग टूल्स ड्राइंग मटेरियल्स खरीद लें तो भी नहीं हो पाता। तो पहले हमें एक बिगिनर को एज अ बिगिनर आपको जितनी हो सके उतनी लाइन प्रैक्टिस करनी है, स्केच प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपसे इम्प्रूव हो। मान लीजिए आपसे एक दिन नहीं अच्छा बनेगा, दो दिन नहीं बनेगा, मान लीजिए 10 दिन नहीं बना, पर उसके बाद तो थोड़ा 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 करके आप इम्प्रूव करते जाएंगे और आपसे बढ़िया ड्रॉ होने लगेगा। गाइस अगर आप पहले ही इतने महंगे महंगे ड्राइंग टूल्स यूज़ करने लगेंगे तो मतलब वो तो फिर वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। अगर आप पहले अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे अच्छे से, अपनी ड्राइंग को अपने स्केचेस को इम्प्रूव करेंगे, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। आज की मेरी ये वीडियो एक रिव्यू वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे क्या लगता है कि कौन सी शीट मतलब अच्छी है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।